Hey guys, welcome back again on channel. कहा जाता है ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। यकीनन हमारे बीच भी कई ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञान बहुत ही विस्तृत रहता है। वो अपने समय से आगे की सोचते रहते हैं। किसी चीज का आविष्कार करने वाले भी ऐसे ही होते हैं जो आगे बढ़कर किसी ऐसी चीज को बेहतर बनाने में के बारे में सोचते हैं जो पहले से ही मौजूद है। आपको पता है कार का आविष्कार तो बहुत ही पहले ही हो गया था, लेकिन कार के विंडस्क्रीन में लगे वाइपर का आविष्कार बहुत ही बाद में हुआ। आइए जानते हैं कार में कैसे आया विंडस्क्रीन वाइपर और इसके इन्वेंट के पीछे किसका हाथ है। जानते हैं मेरे साथ, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विंडस्क्रीन वाइपर का आविष्कार मेरी एंडरसन नाम की एक महिला ने सन 1902 में किया था। इस साल मेरी किसी काम से बर्मिंघम से न्यूयॉर्क शहर जा रही थी। वो अपने स्ट्रीट कार में सफर कर रही थी, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बर्फबारी होने लगी। जब बर्फबारी ज्यादा होने लगी तो बर्फ विंडस्क्रीन पर जमने लगी और ड्राइवर को रास्ता देखने में परेशानी होने लगी। बर्फ को साफ करने के लिए ड्राइवर को बार बार कार से उतरकर विंडस्क्रीन को साफ करना पड़ता था। बर्फ लगातार पड़ रही थी जिससे कई बार विंडस्क्रीन से बर्फ हटाने पर भी फिर से वहां जम जाती थी। इस परेशानी के कारण मेरी एंडरसन अपने डेस्टिनेशन यानी कि न्यूयॉर्क देर से पहुंची, जिसमें उन्हें बहुत निराशा हुई। इस घटना से परेशान होकर मेरी ने इसका सॉल्यूशन निकालने का सोचा। मेरी ने सोचा कि अगर विंडस्क्रीन पर ब्लेड जैसी कोई चीज होती जो बर्फ को अपने आप हटा देती तो ड्राइवर को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वापस बर्मिंघम लौट कर मेरी ने वाइपर का स्केच तैयार किया और इसके पेटेंट के लिए पेटेंट ऑफिस में अपील की। पेटेंट के आवेदन में लिखा था कि वाइपर को किसी तरह कार के अंदर लगे हैंडल से चलाया जा सकता है और जरूरत नहीं होने पर इसे हटाया भी जा सकता है। इस आवेदन को 18 जून 1903 में फाइल किया गया था। पेटेंट ऑफिस ने मेरी के डिजाइन का आवेदन एक्सेप्ट करते हुए उन्हें पेटेंट की संख्या भी सौंप दी। इसके बाद मेरी अपने पेटेंट को बेचने के मकसद से कई कार मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास गई, लेकिन सभी ने उनके आविष्कार को कमर्शियली इम्पोर्टेंस न होने की बात कर उसे खरीदने से मना कर दिया। बताया जाता है कि पेटेंट के करीब 50 साल बाद विंडस्क्रीन वाइपर को रियल फॉर्म मिला और कारों में वाइपर का इस्तेमाल होने लगा। मेरी उस समय जीवित थी और वो अपने आविष्कार को सफल होते हुए देख रही थी। मेरी एंडरसन के इस वाइपर का कमर्शियली यूज होने लगा था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का फाइनेंशियली मदद इसके लिए नहीं मिली। हालांकि मेरी के गुजरने के कई दशकों बाद वर्ष 2011 में उनके इन्वेंट के लिए उन्हें क्रेडिट मिला और उन्हें इंजीनियरिंग और आविष्कारों को मान्यता देने वाली अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंटर हॉल ऑफ फेम में जगह देकर सम्मान दिया गया। चलो कुछ तो हुआ इनके साथ अच्छा। वैसे अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो शायद आपको भी इनके बारे में नहीं पता चलता। दुनिया में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनके आविष्कार को पहले महत्व नहीं दिया गया, बाद में इनके इन्हीं आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जरूर जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होम स्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।